कमर्शियल सिनेमा जो अमेरिका बनाता था बमुकाबला ऑथर थ्योरी आर्ट सिनेमा जो फ्रांस ने कहा कि बनाएं, उसमें फ़र्क यह कि ऑथर थ्योरी जो है 1950 में फ्रेंच मैगज़ीन काहियर्स डू सिनेमा नोटबुक्स ऑफ सिनेमा ने इजाद किया था ये ख्याल कि फ़िल्म जो है वो डायरेक्टर का जो अपना स्टाइल है उस पे बेस होनी चाहिए और इस तरह हर डायरेक्टर जो है जो फ़िल्म बनाता है वो उसका तख्लीक नहीं करता, उसका एक किस्म का मुसन्निफ भी होता है तो उसकी आइडेंटिटी उस फिल्म में नज़र आती है उसके काम में। तो ये छोटा सा मैगज़ीन कॉल काहियर्स डू सिनेमा 1951 में 1951 में 3 राइटर्स ने बनाया था जिसमें जो मेन थे वो फ्रांस का एक थ्योरिस्ट था जिसका नाम था आंद्रे बाज़िन। तो आंद्रे बाज़िन से बहुत से यंग फिल्म मेकर जो थे वो आके मिले और उन्होंने एक सिनेमा लिया जिसे बाद में सिनेमा फ्रांसाई कहते हैं क्योंकि सारे तो बिल्डिंगें टूटी हुई थीं पेरिस में बम्बार्डमेंट से दूसरी जंग अज़ीम के दौरान। तो उन्होंने वो जो लोग थे उस आंद्रे बाज़िन, जाक दोनियोल वालक्रोसी एंड जोसेफ मारी लोदूका, ये 3 जो थे इन्होंने फाउंड किया था। और उससे पहले ये जो था रिव्यू ड्यू सिनेमा था, रिव्यू ऑफ सिनेमा 1988 में 1928 में। तो उसी का जो नेक्स्ट फॉर्म आया ये काहियर्स डू सिनेमा बना और पेरिस के 2 फिल्म क्लब थे, ऑब्जेक्टिव 49 जिसमें रॉबर्ट ब्रेसन, जॉन कॉकट्यू एंड अलेक्जेंड्रे आस्ट्रुक था। ब्रेसन जो था उसका स्पेशल स्टाइल था कि वो हाथ की फिल्मिंग करता था एक्टर की, वो कहता था हाथ भी एक्ट करते हैं डायलॉग के दौरान। और उसकी टॉप फिल्म्स बहुत थी जिनमें पिक पॉकेट है जो दोस्तोयेव्स्की के नावल क्राइम एंड पनिशमेंट से है। और दूसरा जो क्लब था इसमें इनके वो था साइन क्लब डू क्वार्टियर लातिन। तो लैटिन क्वार्टर का क्लब अब और ऑब्जेक्टिव 49 ने जो है ये पेरिस का फिल्म डायरेक्टर्स का फिल्म मेकर्स का एक क्लब दोनों ज्वाइन हो गए थे जो था काहियर्स डू सिनेमा बना। इसमें जाक रिवेट, जॉन-लू गोडार्ड, क्लॉड शब्रोल एंड फ्रांसवा ट्रूफो इस ग्रुप में थे जिसके मेन फिल्म मेकर्स थे और उन्होंने इस मैगज़ीन में लिखा। इनमें टॉप एक्ट्रेसेस बाद में बनी फ्रांस की मसलन बार्डो और दूसरी। तो ये फिल्में जो हैं ये बहुत सब यूनिक हैं और ये देख के आप को फिल्म और स्टोरी मेकिंग का नया कॉन्सेप्ट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल सिनेमा जो अमेरिका बनाता है फॉर जनरल पब्लिक। तो ये रिकमेंडेड है ये मैगज़ीन काहियर्स डू सिनेमा को देखना, उसकी पुरानी कॉपियाँ कहीं से लाके। उन्नीस में रशियन रेवोल्यूशन हुई। जब रशियन रेवोल्यूशन हुई तो उन्होंने अपनी एक मलका थी उसे उतारा। तो उसके बाद यूरोप जो अभी इंडस्ट्रियल बन रहा था, कार का इंजन इन्वेंट हुआ था और सब कुछ, उसने सोचा कि रशिया के अटैक ना कर दें तो यूरोप में जो है किंग एडवर्ड जो था उसने पिस्तौल लेके निकलता था, वो सबको कहता था नाजी पार्टी को सपोर्ट करो क्योंकि उनका प्लान था कि जर्मनी को स्ट्रॉन्ग करें ताकि वो अलामत बने रशिया के लिए और रशिया जो है यूरोप पे अटैक ना करे। तो अब क्या हुआ कि अमेरिकन कंपनियां IBM, फोर्ड मोटर कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एंड जनरल मोटर्स, इन्होंने जर्मनी को बनाया, सारी फैक्ट्रीज उनकी बनाई जर्मनी की। पहले तो हॉर्स कार्ट एज था, तो उन्होंने हिटलर को बिल्कुल बना दिया उस वक्त एक मॉडर्न पावर, मिलिट्री पावर बना दिया। अब हिटलर का और अमेरिकन प्रेसिडेंट का स्केड्यूल पे झगड़ा हो गया। हिटलर ने कहा मैं अभी अटैक करता हूँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कोई अटैक करने के लिए थोड़ी बना रहे हैं, तुम्हें हमने बनाया है कि तुम वहाँ एज अ मिलिट्री प्रेजेंस रहो। तो हिटलर, क्योंकि उस ज़माने में कम्युनिकेशन बहुत स्लो होता था, हिटलर ने कहा मैं किसी का कहना नहीं मानता, मैं खुद एक पावर हूँ। और उसने फ़िलासफ़ी निकाली कि जर्मन जो है वो बिल्कुल सुपीरियर रेस हैं। तो उसने जो है पोलैंड को इन्वेट किया, उसने सब आसपास के मुल्कों को अचानक इन्वेट किया, और वो जूस ने उसे बनाया था, जूस ने ही उनको बनाया था। ये सारी कंपनियाँ जूस ओन थी, ये चार कंपनियाँ, और अमेरिका ने सपोर्ट किया, इंग्लैंड ने सपोर्ट किया उसे, लेकिन उसने सब पे अटैक किया बिल्कुल पागल बन के। और उसने मुसलमानों पे भी अटैक किया, मुसलमानों को हिस्ट्री नहीं पता कुछ, ना ज्योग्राफी आता है। तो मोरक्को से लेके मिस्र तक उसने अटैक किया इटालियंस के साथ मिल के। जर्मन आर्मी ने बहुत से मुसलमान मारे इटालियंस ने। तो उसके बाद जो है उसने फ्रांस को मारा, क्योंकि उसे फ्रांस पसंद नहीं था, क्योंकि फ्रांस जो था वो आर्ट में बहुत था, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म कल्चर में बहुत था, और राइटिंग में। तो उसे फ्रांस नहीं पसंद था। फ्रांस की आप इज़्ज़त करें, अभी जो है वो इज़्ज़त नहीं करते, क्योंकि वहाँ ऐसे ही आ गए फजूल लोग, लेकिन पहले फ्रांस ने जो है सिविल राइट्स को आगे बढ़ाया था, और फ्रांस जो था बहुत इम्पॉर्टेंट था। फ्रांस जो है वो वायलेंट नहीं था, फ्रांस में मार्शल आर्ट भी उनका बहुत ज़बरदस्त था, सोट का, फेंसिंग का, और उनकी अपने मार्शल आर्ट है, एमटीएन था, सावाट। तो फ्रांस जो था वो बुरा नहीं था। फ्रांस तो खुद कैथोलिक चर्च जो था, जो सीज़र ने बनाया था, उसने, सीज़र ने बहुत पहले हज़रत ईसा के जाने के बाद क्रिश्चियनिटी को पकड़ के कैथोलिक चर्च बनाया, उससे सारे यूरोप को कॉन्कर किया इंग्लैंड तक, और उसके बाद सबको, सबकी पिटाई की, औरतों को जलाया और सब चीज़ें की अपनी हुकूमत के लिए। तो उसके बाद जो है फ्रांस ने बहुत सफ़र किया। फिर फ्रांस ने जो है उसमें रेवोल्यूशन हुई इंग्लैंड में, ओलिवर क्रॉमवेल ने फ्री किया तो पावर ऑफ द चर्च से लोगों को। तो वहाँ जो था कुछ आज़ादी, यानी लोग फ्री हुए, वरना तो जुल्म में थे। तो उनकी जो मालिका और सभी, ये सब इटालियंस थे, इन्होंने अपने नाम चेंज कर लिए, अभी तक हैं। और आप याद रखें कि जो डिक्टेटरशिप होती है या रिलीजियस गवर्नमेंट होती है, उसमें सिटीजनशिप नहीं होती, वो सब लोग जो होते हैं, आम लोग, वो सब्जेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। तो ये जो है, यानी कि जब हार्ड ऐसा सिचुएशन होता है। एनीवे, जब वर्ल्ड वॉर 2 में बेपनाह कत्ल गारत हुई, जिसमें करीबन 4.5 साल रही, और हिटलर जो था वो जापान के साथ मिल गया। जापान के बादशाह के साथ मिल के उन्होंने एशिया पे हमला किया, कलकत्ता तक बॉम्बार्डमेंट किया और बीहेडिंग की फिलीपींस में, और हर जगह जापान के बादशाह, उसकी फ़ौज ने। उसके बाद अमेरिका ने जापान पे एटॉमिक हमला करके ख़त्म की वॉर, कि उन्होंने पर्ल हार्बर पे हमला किया था जापान ने हवाई में। तो उसके बाद जो है ये जो है, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, दूसरी जंग अज़ीम 1945 में, उसके बाद सिनेमा बना फ्रांस में। उन्होंने एक सिनेमा था जिसका नाम था थिएटर फ्रांसाई। उसमें 4 आदमियों ने कहा कि हम भी अब फिल्में बनाएंगे। अमेरिका की फिल्में तो यहाँ आती हैं, उस वक्त आने शुरू हो गई थी, हमारा कंट्री पीछे रह गया। तो उन्होंने फिल्में बनाई, लेकिन वो अमेरिकन फिल्मों से डिफरेंट थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अपना सिनेमा जो ऐसा बनाएंगे जो ऑथर थ्योरी पे होगा। ऑथर थ्योरी का मतलब है कि हर आदमी, हर डायरेक्टर वो ऐसे बनाए जैसे उसका स्टैम्प है उस पर, फिल्म पे, यू नो, और वो जो कहानी कहना चाहता है वो बताए, ये नहीं कि जो कहानी लोग, पब्लिक सुनना चाहती है, उसे कहते हैं ऑथर थ्योरी। लेकिन अमेरिकन जो थे उन्होंने अपनी फिल्में बनाई थी इतने 100 मिलियन के लिए, तो वो हर फिल्म बनाते थे जो पब्लिक, सब लोगों में मकबूल हो, ताकि उसका इन्वेस्टमेंट वो खूब निकाले। तो उसे कहते हैं स्टूडियो सिस्टम। तो न्यूयॉर्क में विलेज वॉइस और बाकी सारे जो ये मैगजीन्स होते थे उस ज़माने में, उनमें बहस हो गई एंड्रयू सारिस और पॉलिन केल और बाकी सब राइटर्स में कि कौन सा फॉर्मेट सही है। वो फिल्म जो आदमी लिखता है अपनी कोई बात बताने के लिए और उस पर स्टैम्प है उसका, या वो फिल्म जो लोगों को खुश करने के लिए बनाते हैं। तो ये जो है अभी तक ये बहस जारी है, लेकिन लोग अमूमन महीने में या साल में एक मरतबा जाके यूरोपियन फिल्म देखते हैं क्योंकि उसमें यूनिक कहानी होती है। जैसे आर्ट फिल्म, जैसे अबरार अलवी की साहिब बीबी और गुलाम, जैसे कुछ वो फिल्में जो बहुत रियलिस्टिक लगती हैं टू लाइफ और एंटरटेनिंग भी हैं क्योंकि उनके जिस तरह फिल्मबंदी की गई वो लोगों को पसंद होती हैं कि एक साल में या 6 महीने में एक मरतबा वो भी देखें आर्ट फिल्म। तो यूरोप की सारी फिल्में जो है तकरीबन आर्ट थी। अब हुआ ये कि उसी आर्ट से यूरोप आगे बढ़ गया क्योंकि इटालियंस ने सीक्रेट एजेंट फिल्में बनाई, काउबॉय फिल्में बनाई जिसमें एंथोनी स्टीफन और जुलियानो जेमा और रिचर्ड हैरिसन और बाकी लोग जो थे वो उनके सुपरस्टार बन गए। एंथोनी स्टीफन जो था वो आया था ब्राज़ील से, वो एक काउबॉय था वहाँ, तो उसको घोड़ा पे राइडिंग करना आती थी। जुलियानो जेमा भी एक जिम्नास्ट था, तो जुलियानो जेमा की फिल्में एरिज़ोना कोल्ड, रिंगो और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में चली थी। एंथोनी स्टीफन की फिल्में जो थी मसलन $7 to Kill और शेंगू और बाकी ब्लड एट सनडाउन, वो ये सारी पाकिस्तान में चली थी। तो ये डब थी इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद क्लिंट ईस्टवुड आया। क्लिंट ईस्टवुड जो था अमेरिकन काउबॉय टीवी शो का एक्टर था, उसको या कोई काम नहीं मिलता था लेकिन वो जीनियस था। तो वो वैसे भी काउबॉय था, वो गन फाइट के पिस्टल के कंपटीशन में बहुत फास्ट था। तो वो जो था याद रहे कि अमेरिका में अभी तक काउबॉयज़ हैं और वो घोड़े पे बैठते हैं और वो गन पहनते हैं और उसी तरह से मूवीज़ में होता है ज़राती इलाकों में और एरिज़ोना में, टेक्सास में, कैलिफोर्निया में भी। तो क्लिंट ईस्टवुड को एक फिल्म मिली, सर्जियो लियोनी ने उसने ऑफ़र किया, उसका नाम था $Fistful of Dollars। उससे क्लिंट ईस्टवुड चढ़ा और उसके बाद $For a Few Dollars More में ली वैन क्लीफ और फिर The Good, The Bad and The Ugly में एली वालक, ली वैन क्लीफ और आल्डो सांबरल जो मेरा दोस्त था और क्लिंट ईस्टवुड थे। ये बनाई। इसमें ये जो फिल्म थी पहली वाली, ये कॉपी थी कुरोसावा की फिल्म से, योजिम्बो से। तो कुरोसावा की योजिम्बो भी डैशिल हैमिट की एक नावल से कॉपी थी। तो मैं इलाई वालक से मिला था जो टूको के रोल में था, मैंने एक दिन उसके लिए काम किया था। तो उसने मुझे बुलाया कि स्पीक करने के लिए, तो मैंने इटालियन वेस्टर्न्स का और इन सब का नाम लिया। तो यहाँ अमेरिकन्स को नहीं पता था, तो उसने कहा कि इनको तो पता ही नहीं वेस्टर्न्स का, क्योंकि वो इटली और यूरोपियन सर्किट की और एशियन सर्किट की फिल्में थी, वो यहाँ नहीं चली थी, कभी कभी यहाँ डबल बिल पे या टीवी पे अमेरिका में। तो इला वालक से जो था एक कॉलेज प्रोफेसर की तरह था, जब मैं उसके साथ मैंने बात की, सब डिस्कस किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस में हुआ, मैं बहुत सी एक्ट्रेसेस से मिला और बहुत से एक्टर से, वो था एक आदमी रात को मुझे मिला, वो अंधा था, वो एक सिंगर है, क्यूबन सिंगर, उसका नाम है होजे फेलिसियानो। उसने मैकेनस गोल्ड का गाना गाया था, टाइटल सॉन्ग ओल्ड टर्की बजर्ड। तो मैं उससे मिला था, तो वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, उसके दोस्त उसे कुछ समझा रहे थे, बता रहे थे। तो मैंने कहा कि मुझे याद है तुम्हारा वो गाना। तो वो सब एकदम अकड़ गया सुनने के लिए कि क्या किसकी बात कर रहा है, कौन से गाने की। तो मैंने कहा ओल्ड टर्की बजट, तो बहुत खुश हुआ। लेकिन वो लोग जो वहाँ खड़े थे उन्हें नहीं पता कि मैकेनस गोल्ड तो 1962 में कभी बनी थी और ये जो सब लोग थे ये यंग थे, इन्हें नहीं पता, इन्हें अर्ली गोल्डन एज की हिस्ट्री नहीं पता थी लोगों को। तो गोल्डन एज ऑफ वर्ल्ड सिनेमा जो था वो World War II से लेके मैं समझता हूँ अर्ली 80s तक था। 80s के बाद जो है जब म्यूज़िक टेलीविज़न आया तो उसके बाद एडिटिंग चेंज हो गई, क्विक एडिटिंग हुई, उससे लोगों का अटेंशन स्पैन ख़त्म हो गया, लोगों में इंटरेस्ट नहीं हुआ कि किस तरह फिल्म देखे, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो मैं तो कोई स्कूल नहीं गया, कोई कॉलेज डिग्री नहीं, मैं सेल्फ टॉट हूँ। तो मैं जब भी फिल्म देखता हूँ मैं साउंड को ऑफ करके देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि कैसे बनाई, और मैं हर फिल्म को 1 महीने तक देखता हूँ पार्ट बाय पार्ट और नोट्स लिखता हूँ। मुझे कोई फिल्म में इंटरेस्ट नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ किस तरह बनाएं। तो अब जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है जिस शौक़ में है उस पर फिल्म बनाइए और डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद कीजिए और किसी को ना दीजिए, और अपनी एक टीम बनाइए फिल्म मेकिंग की और ऑथर थ्योरी की फिल्में बनाइए। तो ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है, आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। एंड थैंक यू।